हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी नीलम। और आज का वीडियो होने वाला है सरोजिनी नगर एक्सप्लोरिंग, एंड एट द एंड आई विल शो यू कि मैंने वहाँ से क्या क्या लिया है। तो बेस्ट रूट सरोजिनी नगर जाने का है मेट्रो से। तो आप मेट्रो के गेट नंबर 1 से एग्ज़िट करके सीधा मार्केट में एंटर कर सकते हो। तो मार्केट में एंटर करने के बाद आपको ऐसे राउंड जो थड़ीज होती हैं वो दिखेंगी और शॉप दिखेंगी। तो थड़ीज पे क्या होता है कि फिक्स रेट के लगाए हुए होते हैं प्राइस टैग्स के, ये 50 का है, 100 का है। और जो शॉप्स होती हैं उनमें प्राइजेस डिफरेंट होते हैं, तो आप वहाँ पे बार्गेनिंग कर सकते हो, बट थड़ीज पे आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते। तो मुझे काफ़ी डेनिम्स वगैरह देखने को मिली थी जो कि अराउंड 100, 200 और 250 के बजट में थी। तो आप उनको भी देख सकते हो, क्योंकि एज़ यू नो विंटर आ गया है, तो आपको कवर अप करने के लिए जैकेट्स तो चाहिए ही होंगी। और मार्केट में आपको सुंदर सुंदर कुर्तीज़ देखने के लिए मिल जाएंगी जो कि बहुत अफोर्डेबल साइट पे है, और कुर्ती सेट भी देखने को मिल जाएंगे जो आई थिंक 250 से स्टार्ट होते हैं एंड अप टू 500 और 550 तक जाते हैं। एंड ये जो स्टॉल था, इसका शॉप नंबर था 25, और यहाँ पे काफ़ी सुंदर सुंदर शर्ट्स और ब्लाउजेज मिल रहे थे लाइक आपके डेली वेयर में पहनने के लिए। तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो। और ये लहंगाज जो थे, ये हर आपको हर गली में मिल जाएगा। 200 इनकी कॉस्ट होती है और ये बहुत सुंदर लगते हैं। तो मार्केट वैसे जाने का अच्छा टाइम है सुबह 11 बजे, मतलब 11 बजे आप वहाँ पे पहुँच जाओ, क्योंकि इस टाइम पे मार्केट लगना स्टार्ट ही होता है। और जो सबसे अच्छी लेन्स हैं वो एक है बिक्सी वाली लेन एंड ग्रेफिटी लेन, एंड बाकी आई विल सजेस्ट कि आप जो थड़ीज होती हैं जिसमें फिक्स प्राइस का टैग होता है उनसे ज़्यादा शॉपिंग करें, क्योंकि उन पे बहुत अच्छे अच्छे पीसेस मिल जाते हैं। एंड सरोजिनी नगर में ज्वेलरी नहीं ली तो क्या लिया। और ये वाले जो छोटे छोटे टॉप्स होते हैं वो जस्ट ₹20 से स्टार्ट थे, एंड ड्रिंक्स वगैरह भी आपको स्टार्टिंग प्राइस जो होगा वो 20 से मिल जाएगा। और जो बड़े बड़े इयररिंग्स होते हैं वो लगभग 30 से 100, 150 ऐसे जाते हैं। बैग कलेक्शन भी बहुत अच्छा था, मतलब जो भी ट्रेंडी बैग्स चल रहे हैं वही थे इस बार भी। एंड मेरे को कुछ स्कर्ट्स वगैरह भी अच्छी लगी वहाँ पे, जो सिर्फ ₹50 से स्टार्ट थी। देन आपको बहुत से ऐसी शॉप्स मिल जाएंगी, बड़ी बड़ी शॉप जिसमें ड्रेसेस आप अगर कैरी करना चाहते हो, लॉन्ग ड्रेसेस, शॉर्ट ड्रेसेस, तो आपको वो भी मिल जाएंगी जो आजकल ट्रेंड चल रहा है। लास्ट में कुर्तीज़ वगैरह जो मैंने पहले बता ही दिया है 250 से स्टार्टिंग है, तो आपको 250 के अंडर पूरा सेट मिल जाएगा सूट का। तो हमने भी अपनी फ्रेंड के लिए एक सूट का सेट लिया था उसके बर्थडे के लिए, तो वो भी काफ़ी अच्छा था। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये टॉप लिया था, और ये बहुत ही सिंपल टॉप है विच इज़ गुड फॉर दिस वेदर, और ये ओनली ₹50 का था, सो मुझे इस पर बहुत अच्छी डील मिल गई थी। एंड देन मैंने ये वाइट शर्ट ली थी जो कि ऑफिस के लिए परफेक्ट रहेगी, एंड दिस वन इज़ फॉर ₹100। देन नेक्स्ट अप ये ट्यूब टॉप था जो कि लेयरिंग के लिए अंदर से अच्छा रहेगा, और ये ₹50 का था। देन ये भी एक टॉप है जो कि मैंने लेयरिंग के लिए लिया है कि मैं इसके ऊपर कुछ भी लेयर कर सकती हूँ, एंड इसकी नेकलाइन वगैरह बहुत अच्छी थी। एंड जो ये शर्ट थी, आई डोंट नो वाई मैंने ये ली, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मतलब मुझे घर आके रियलाइज हुआ कि ये मैंने ट्राई की जबकि इतनी अच्छी नहीं लग रही, बट समहाउ देखते हैं कैसे इसको स्टाइल कर पाती हूँ मैं। एंड देन ये वाली शर्ट मेरी फेवरेट थी, बट ये मुझे नहीं आई, ये छोटी हो गई, इसके बटन ही नहीं लग रहे थे, बट आई विल फिक्स इट कि मतलब मैं इसको ओपन अप, बटन ओपन अप करके ही पहन लूँगी। और इसकी क्यूट पॉकेट्स थी दो,
और ये भी 50 का था, और लास्ट लास्ट वाला टॉप भी 50 रुपीज़ का ही था। नेक्स्ट ये वाला जो टॉप था, ये मैश टॉप है सिंपल सा, और ये भी 50 रुपीज़ का था। ये विंटर के लिए तो अप्रोप्रिएट नहीं है, बट समर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। एंड देन मैंने ये वाला टॉप लिया था जो थोड़ा सा बड़ा है मेरे पे, बट आई लाइक इट दैट वे ऑल्सो। ये जो टॉप है ये मेरा पर्सनली फेवरेट है, एंड ये टॉप तो नहीं, थोड़ा सा लॉन्ग है टॉप के हिसाब से, और ये लेगिंग्स वगैरह के साथ मैं पहन सकती हूँ। और ये भी ओनली 50 रुपीज़ का था, एंड वेरी वेरी अफोर्डेबल, और बहुत प्यारा लगा मुझे। देन नेक्स्ट मैंने ये स्वेटर लिया था जो कि 100 का था, और ये मुझे बहुत, मतलब बहुत ही प्यारा लगा था। दैट्स वाई मैंने लिया था, क्योंकि मेरे पास बहुत स्वेटर्स हैं, मैं स्वेटर्स नहीं लेना चाहती थी, बट फिर भी ये वाला स्वेटर का कलर देख के मैं, मतलब बहुत इम्प्रेस्ड हो गई थी कि मेरे पास ये वाला कलर नहीं था, तो दैट्स वाई मैंने ये स्वेटर ले लिया। नेक्स्ट मैंने ये स्कर्ट ली थी जो कि 50 रुपीज़ की थी, और ये लॉन्ग स्कर्ट है।